नमस्कार, आप देख रहे देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। दिन भर की कुछ खास सुर्खियों के साथ बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की ताजा खबरों की। एनजीटी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, गणपति विसर्जन के लिए 30 से ज्यादा लोगों को जाने पर लगाया था प्रतिबंध। कोलकाता रेप केस के विरोध में टीएमसी सांसद जवाहर सरकार ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सौंपा अपना इस्तीफा। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी का 72 साल की उम्र में निधन, दिल्ली के एम्स में थे भर्ती। मध्य प्रदेश के दतिया में भारी बारिश के बीच दीवार ढही, 7 लोगों की मौत। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स पहली बार 83,000 के पार पहुंचा। कर्नाटक के मंडिया सांप्रदायिक हिंसा मामले में दोनों समुदाय के 53 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई FIR। सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत के मामले में कल सर्वोच्च अदालत फैसला सुनाएगी। सीबीआई मामले में जमानत याचिका के अलावा कोर्ट गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी फैसला सुनाएगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच करेगी सुनवाई। कर्नाटक के सीएम सिद्धार्थ मेयर ने 8 राज्यों के मुख्यमंत्री को किया आमंत्रित, केंद्र पर फंड बांटने में भेदभाव का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में भारी बारिश के बीच 3 जगह गिरी दीवारें, 5 लोगों की मौत। मैनपुरी में बारिश के कहर में अलग अलग स्थानों पर 5 लोगों की जान ले ली। बुधवार की रात कुरावली के गांव राजलपुर और भोगांव के शिवपुरी में मकान की दीवारें गिरने से हादसा हुआ। इसमें 2 बच्चों सहित 5 लोगों की मौत के बाद घरों में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गणेश उत्सव के समय बीते 3 दिनों से आ रही सोने की गिरावट को आज ब्रेक लग गया। सोना आज 450 रुपए तक महंगा हुआ है। आज 24 कैरेट सोने की कीमत 73,410 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट की कीमत 67,310 रुपए है। प्रधानमंत्री मोदी देश को एक साथ देंगे 10 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात, 15 सितंबर को दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, ये देश भर के अलग अलग स्टेशन से चलाई जाएंगी। इससे पहले पीएम मोदी ने मुंबई गोवा वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के जमशेदपुर से इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। यह पहली बार है जब एक साथ 10 वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी। यह थी अब तक की कुछ खास खबरें। अब नजर डालते हैं हरियाणा की ताजा खबरों पर। जुलाना में केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम मनोहर लाल बोले, बिना पर्ची बिना खर्ची युवाओं को दी जा रही नौकरी, कैप्टन योगेश बैरागी ने किया नामांकन। पानीपत सीट से रोहिता रेवड़ी ने भरा नामांकन, बोली मुकाबला दूसरे लोग तय करें, मेरा किसी से नहीं है मुकाबला, पूरा परिवार मेरे साथ है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पानीपत शहरी सीट से टिकट कटने के बाद पूर्व विधायक रोहिता रेवड़ी ने आज निर्दलीय के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस के सभी पदों और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पुंडरी में शपथ पत्र नहीं पढ़ पाए कांग्रेस प्रत्याशी सुल्तान जडोला, रिटर्निंग अधिकारी से बोले, बस रहने दो, खुद ही पढ़ लो। हरियाणा के कैथल जिला के पुंडरी से कांग्रेस प्रत्याशी सुल्तान जडोला नामांकन करने पहुंचे तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उनको शपथ पत्र पढ़ने के लिए बोला गया, लेकिन उनसे शपथ पत्र नहीं पढ़ा गया। जब रिटर्निंग अधिकारी द्वारा बोला गया कि आप मेरे पीछे पीछे बोलो, तो उन्होंने कहा कि आप खुद ही पढ़ दीजिए। हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी में बगावत, खट्टर के पूर्व मीडिया सलाहकार निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। हरियाणा में कांग्रेस भाजपा में टिकट बांटने के बाद नामांकन के आखिरी दिन भी बगावत नहीं थम रही। सोनीपत में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने पत्नी कविता जैन के साथ निर्दलीय चुनाव दाखिल कर दिया है। बीजेपी प्रत्याशी अनूप धानक का भारी विरोध, गांव-गांव मुर्दाबाद के लग रहे नारे, ग्रामीण लगा रहे हैं हारने की शर्त। महम में आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने कराया विकास नेहरा का नामांकन, सुशील गुप्ता बोले, भाजपा को उखाड़ फेंकना हमारा पहला लक्ष्य है, शक्ति प्रदर्शन करेंगे। रोहतक में भाजपा उम्मीदवार मंजू उड्डा ने किया नामांकन, राजस्थान के विधायक महंत बालकनाथ मौजूद रहे, बोली विकास पर रहेगा मेरा फोकस। रोहतक की गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार एवं जिला परिषद की चेयरपर्सन मंजू हुड्डा ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। वे पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को चुनावों में टक्कर देंगी। नामांकन करवाने के लिए राजस्थान के विधायक महंत बालकनाथ मौजूद रहे। फरीदाबाद में ऑटो में मिली युवक की लाश, गले पर मिले चोट के निशान, सूचना मिलते ही पत्नी ने लगाई फांसी।
फरीदाबाद से विजय प्रताप ने भरा नामांकन, मेट्रो लाने का किया वादा, बोले कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है हरियाणा में। फरीदाबाद बड़कल विधानसभा से आज कांग्रेस के उम्मीदवार विजय प्रताप ने अपना नामांकन भर दिया है। नॉमिनेशन भरने के बाद विजय प्रताप ने कहा कि जीत के बाद विकास हमारी प्राथमिकता रहेगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य करवाए जाएंगे और साथ ही साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। फरीदाबाद में नामांकन के बाद भावुक हुए भाजपा प्रत्याशी धनेश अदलखा, बोले पार्टी ने भरोसा का टिकट दिया है, मैं उनके भरोसे पर खड़ा उतरूंगा, पूर्व विधायक के सारे काम करूंगा पूरे। हरियाणा में इनेलो बसपा और हलोपा का गठबंधन, सिरसा से चुनाव लड़ेंगे गोपाल कांडा, बीजेपी से नहीं बनी बात। इनेलो और बसपा गठबंधन के साथ एक और पार्टी ने हाथ मिला लिया है। वो गोपाल कांडा की हलोपा ने इनेलो बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सिरसा विधानसभा सीट से गोपाल कांडा चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही बाकी सीटों पर गोपाल कांडा अपने सहयोगी दल इनेलो और बसपा की मदद करेंगे। गोपाल कांडा सिरसा विधानसभा सीट से प्रत्याशी होंगे, बाकी सीट पर इनेलो और बसपा की मदद करेंगे। यह थी देशदुनिया खबरों के साथ हरियाणा की ताजा खबरें। कल फिर होगी मुलाकात, जब तक ले देखते रहे देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।